मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद बिलाल, वेलकम टू मल्टी क्राफ्ट आईटीआई। व्हाट्सएप कैलकुलेशन का मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोग चार पार्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पांचवा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि मेटल क्या है, ठीक है, उसके बाद इसका कितना प्रकार होता है, उसके बाद हमने आयरन के बारे में पढ़ा, कास्ट आयरन क्या चीज होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद फिर हमने इस्पात के बारे में पढ़ा था, इस्पात क्या है, स्टील, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, सब पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित तत्व, एलाई एलिमेंट, ठीक है, मिश्रित तत्व, मिश्रित तत्व के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रित तत्व क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मिश्रित इस्पात अलग अलग धातुओं से युक्त होती है, मतलब अलग धातुएं मिली हुई होती है, मतलब पाई जाती है, ठीक है, जैसे मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होती है, टंगस्टन होती है, मोलिब्डेनम होती है, वेनेडियम होती है, आदि अलग अलग धातुओं को इस्पात में विभिन्न मात्राओं में मिलाने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस सब अगर मिलाते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम होता है, वेनेडियम आदि मिलाते हैं, तो क्या होता है, धातुओं को अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे क्या होता है, और वे ज्यादा उपयोग में हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, कुछ मिश्र धातुओं के प्रकार क्या क्या है, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला में क्या है, मैग्नीज इस्पात, ठीक है, मैग्नीज इस्पात से मैग्नीज स्टील भी कहा सकता है। इसमें लोहे के साथ 3 से 14% 3 से 14% तक मैग्नीज होती है। इस प्रकार का इस्पात सामान्यतः चिमण तथा घिसन प्रतिरोध होता है, मतलब चिमण होता है और घिसन नहीं होता, प्रतिरोध मतलब क्या अपोज करता है, घिसने नहीं देती है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग गियर शॉफ्ट आदि के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। इसका जो है गियर चाहे शॉफ्ट, ठीक है, उत्पादन जब जहाँ बनती है ये सब, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मैग्नीज का, मैग्नीज इस्पात का इस्तेमाल किया है। इसमें से कितना परसेंट लोहे के साथ, इसमें कितना परसेंट मैग्नीज मिला दिया है, 3 से 14% तक मैग्नीज होती है। इस प्रकार के इस्पात के सामान्यता ज्यादातर क्या रहती है, चिमण तथा घिसन प्रतिरोध चाहे फ्रिक्शन लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये घिसती नहीं है। इसका उपयोग हम लोग देख लिए थे, गियर चाहे सॉफ्ट आदि के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा है मोलिब्डेनम इस्पात, ठीक है, इसमें लोहे के साथ 0.7% तक मोलिब्डेनम होती है, मोलिब्डेनम होती है, या इस्पात के सामर्थ्य, मतलब सामर्थ्य मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ तथा उच्च तापमान कठोरता को बढ़ाती है, उच्च स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और कठोरता को भी क्या करता है, उच्च तापमान पर बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आइए तीसरा, तीसरा क्या है, इनवार, इनवार क्या है, इसमें लोहे के साथ 36% निकिल होती है। इसको गर्म करने पर इसकी अत्यधिक कम दर पर विस्तार हो जाती है, मतलब क्या, कम अगर गर्म करें ना तो वो ज्यादा फैल जाती है, ठीक है, दर पर विस्तार हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ जाता है, सर्वे टेप, ठीक है, तथा पेंडुलम, पेंडुलम क्या चीज होता है, जो झूलते रहती है स्टेपलर में, ठीक है, तो क्या चीज है, कम दर पर भी क्या चीज है, वो विस्तार हो जाती है, ठीक है, उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से चलते हैं, मिश्र तत्व, मिश्र तत्व एलाइंग एलिमेंट क्या चीज होता है, मिश्र इस्पात में अलग अलग धातुओं को में पाई जाती युक्त होती है, जैसे कैसे, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम होती है, वेनेडियम आदि अलग अलग धातुओं के इस्पात में विभिन्न मात्राओं में मिलाने पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस पर इसमें मिलाने पर क्या होता है, अलग अलग यूजेज में आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इस्पात में ये सब चीज मिलाते हैं, तो क्या होता है, इस्पात में ये सब मिश्रण करते हैं तो क्या चीज होता है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कोई चीज मिलाने से क्या होती है, खराब हो जाती है, और कोई चीज मिलाने से क्या होता है, अच्छा प्रभाव पड़ती है। तो हम लोग इस्पात में चाहे स्टील में कोई भी चीज, सब चीज मिलाते हैं जिसका अलग अलग उपयोग में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था मैग्नीज, मैग्नीज इस्पात में क्या होता है, इसमें लोहे के साथ 3 से 14% तक मैग्नीज होती है। इस प्रकार का इस्पात सामान्यतः ज्यादातर चिमण तथा घिसन प्रतिरोध, घिसन प्रतिरोध क्या बोले थे, जिसमें हम लोग घिसने में प्रतिरोध होता है, रोकता है, घिसने से जो रोकता है, ठीक है, जल्दी वो मटेरियल क्या किया है, मैग्नीज इस्पात जल्दी घिसती नहीं, इसको खसते रहिएगा तो बहुत देर से घिसती है, ठीक है, घिसने में प्रतिरोध करती है, रोकती है घिसने से, ठीक है, और बहुत ज्यादा ज्यादातर क्या होती है, चिमण रहती है। इसका उपयोग हम लोग देख चुके थे गियर शॉफ्ट आदि में उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है, गियर वो क्या जल्दी घिसती नहीं है वो, ठीक है, बहुत चिमण रहती है, शॉफ्ट क्योंकि वही होती है,
यदि जिसकी नहीं है सिंपल बैठी है, ये सब उत्पादन के लिए हम लोग मैंगनीज इस्पात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें से 3 से 14% क्या करते हैं, स्टील में हम लोग मैंगनीज को मिला देते हैं, जिससे हमारा ये सब प्रोडक्शन होती है। उसके बाद आता है मोलिब्डेनम इस्पात, इसमें लोहे के साथ 0.7% तक मोलिब्डेनम होता है। इस्पात के स्ट्रेंथ उच्च ताप पर कठोर को बढ़ाती है, अगर उच्च ताप देते हैं तो क्या उसका कठोरता को बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग इनवार, इनवार क्या है, इसमें लोहे के साथ 36% लिक्विड होती है, इसमें गर्म करने पर इसका अत्यधिक कम दर पर क्या होता है, विस्तार हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सर्वोटेप तथा पेंडुलम आदि में उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है निकिल इस्पात। निकिल इस्पात क्या है, इसमें लोहे के साथ 6% से 30% तक निकिल होती है, ठीक है, जिससे समर्थ मतलब इस पर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है और संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करती है, ठीक है, जिससे जंग रोकने से क्या होती है, ये रखती है, बढ़ाया जाता है। सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है और संरक्षण प्रतिरोध को वृद्धि करती है, जिसमें स्ट्रेंथ क्या करती है, बढ़ता है और संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करता है, ठीक है। आगे पांचवा का स्टेनलेस स्टील, सर्वाधिक उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील में इस्पात में क्या 18% क्रोमियम तथा 8% निकिल होती है, जिसमें उच्च संरक्षण प्रतिरोध तथा ऊष्मा प्रतिरोध पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे घरेलू बर्तनों में आवश्यक अधिक प्रयोग किया जाता है। जाहिर के बाद है कि हमारा उच्च प्रतिरोध में क्या चीज है, रोकना, ऊष्मा को क्या करता है, वो रोकता है। घर के बर्तन क्या करता है, आप देखते हैं स्टेनलेस स्टील क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, इसमें गैस चूल्हा है, चाहे हम लोग चूल्हा वाला में जैसे भी जलाते हैं तो क्या करता है, उसको पकड़ते हैं, डंडी क्या रहता है, स्टेनलेस स्टील रहती है, इससे क्या होता है कि वो नीचे ना पड़ तो हमारी गर्म होती है, पकड़ने ना पड़ क्या है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, इससे क्या होता है, ऊष्मा का प्रतिरोध करता है, इसमें क्या होता है, जल्दी जंग में नहीं लगता, ठीक है। इस टाइप का बर्तन में क्या रहता है, स्टेनलेस स्टील में अब नया टाइप का बर्तन आता है, क्या ये सब पूरा हीट होता है, मगर क्या करता है, इस हीट को इधर पार होने नहीं देता है, इससे क्या था उसमें प्रतिरोध हीट को वो रोक देता है, ठीक है, जिसे हम आसानी से इसको पकड़ के नीचे उतार सकते हैं, चाहे इधर उधर रख सकते हैं, ठीक है, इसी को बोलता है उसमें प्रतिरोध, ठीक है। इसके जानते हैं घरेलू बर्तन में इसका उपयोग किया जाता है, छठा है फेमस्टन इस्पात, ठीक है, इसका उपयोग ज्यादातर मशीनों के टूल बनाने में किया जाता है, ठीक है, जहाँ विषम प्रतिरोध गुण अधिक हो, घिसना प्रतिरोध का रोकता, मतलब घिसने नहीं देता है, जहाँ कटिंग टूल को घिसने नहीं देता, इसका गुण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, घिसन प्रतिरोध गुण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब वो क्या कांस्टन जल्दी घिसता नहीं, कितना घिसते रहिएगा जल्दी घिसता नहीं। सातवां क्या, हाई स्पीड स्टील बोल सकता है, इस प्रकार की इस्पात उच्च मिश्रण मतलब हाई मिश्रण ज्यादा मिश्रण धातु के बने होते हैं, इसका उपयोग जब क्या करता है, इसका उपयोग जो है मशीनों के टूल बनाने में किया जाता है, जैसे टेप, ड्रिल, लेथ टूल, कटिंग, ठीक है, मिली कटिंग तथा रेत आदि, इसका इस प्रकार की कटिंग टूल की अधिक कठोरता होती है, ठीक है, इस प्रकार की टूल क्या देता है, बहुत ज्यादा कठोर होती है, इसलिए इसमें क्या करता है, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका कटिंग, इसका जो है कठोरता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। फिर समझते हैं निकिल इस्पात, इसमें लोहे के साथ 6% से 30% तक निकिल होती है, जिससे सामर्थ्य मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है और संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करती है, मतलब जंग लगने से क्या होता है, रोकने में ज्यादातर वृद्धि करती है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग स्टेनलेस स्टील, इसका प्रयोग बर्तनों में किया जाता है, ये क्या चीज है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाले स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम तथा 8% निकिल होती है, निकिल में क्या होती है, जल्दी जंग नहीं लगने देती है, अब क्रोमियम मिलाते क्या, क्योंकि इसमें हीट का
अपोज करती है, ठीक है, हीट को बढ़ने नहीं देती, जिसमें उच्च संरक्षण प्रतिरोधक का ऊष्मा प्रतिरोध पाए जाते हैं, जिसे बर्तनों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दिए थे कि बर्तन का हम लोग डंटी पकड़ते हैं, क्या किया जाए, बर्तन पूरा गर्म रहती है मगर डंटी उसका गर्म नहीं होता, क्या होता है, ऊष्मा का प्रतिरोध है, इसमें हीट पास नहीं होने जाती। लकड़ी की हमारी क्या हो गई, वो ऊष्मा का प्रतिरोध है। देखते हैं लकड़ी एक तरफ से जलाते हैं तो दूसरा तरफ क्या नहीं चलता, दूसरा तरफ आराम से पकड़ लेते हैं। वही कोई लोहा का छड़ हो, चाहे लोहा का छड़ उतर गर्म कर दिए एक साइड से तो दूसरा साइड क्या लेते हैं, वो गर्म हो जाती है। तो वो खूबी जो है लोहे में नहीं पाई जाती है, मगर अगर हम क्रोमियम मिला देते हैं और लिक्विड मिला देते हैं तो क्या चलता है, वो ऊष्मा का प्रतिरोध करता है, ऊष्मा को रोकता है, इससे पार नहीं होता, जिससे हम क्या करते हैं कोई भी बर्तन का डंटी आराम से पकड़ सकते हैं इसको, ताकि हमको वो गर्म नहीं लगे। नेक्स्ट क्या है, टंगस्टन इस्पात। इसका उपयोग ज्यादातर मशीनों के टूल बनाने में किया जाता है, जिससे जहाँ घिसन प्रतिरोध गुण अधिक हो, जहाँ घिसता जल्दी, टंगस्टन क्या है बहुत ज्यादा कठोर होता है, वो घिसता जल्दी नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, जो घिसते रहिए जल्दी घिसता नहीं है। उसके बाद आइए सातवां, सातवां क्या, हाई स्पीड इस्पात। इस प्रकार के इस्पात उच्च मिश्र धातु के बने होते हैं, इसका उपयोग मशीन के टूल बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका टेप ड्रिल मशीन लेथ मिलिंग कटर इसमें क्या चलता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसलिए इसका हाई स्पीड स्टील का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आप आइए हम लोग रबर के बारे में पढ़ते हैं कि रबर क्या है, ठीक है, कितना प्रकार का होता है। रबर क्या है, एक प्रकार का प्रतिस्थापी इलास्टिक पदार्थ है, इसे निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, क्या है, इलास्टिक जानते हैं, इलास्टिक किसको कहते हैं, जैसे ये हमारी चौक हो गई, ठीक है, ये हमारी चौक हो गई, इसको मोड़ सकते हैं चाहे खींच सकते हैं, इससे क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, उसका हमें इलास्टिक कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें कुछ फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे क्या टूट जाएगा, मगर रबर में नहीं है, रबर में क्या हुआ, रबर में हम ऐसे तरफ मोड़ेंगे तो क्या होगा, वो मुड़ जाएगी, इसमें इलास्टिक कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक कहते हैं इसके। और चौक में क्या है, इसमें हमारी एक जरा इलास्टिक नहीं है, जिसमें क्या होगा, अगर मोड़ेंगे चाहे खींचेंगे तो ये टूट जाएगी, मगर रबर में ऐसा नहीं है, रबर में क्या, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें इलास्टिक पदार्थ होता है, ठीक है, इसका निम्न प्रकार में बांटा गया है, पहला क्या है, प्राकृतिक रबर, ठीक है, जिसको हम नेचुरल रबर कहा जाता है, दूसरा है कंट्रोल रबर, हार्ड रबर कहा जाता है, तीसरा है कृत्रिम चाहे संश्लेषित रबर चाहे साइंथेटिक, इसको हम लोग साइंथेटिक रबर कहते हैं, ये ठीक है, साइंथेटिक रबर, ठीक है, साइंथेटिक रबर, ठीक है, रबर क्या है, रबर है इलास्टिसिटी चाहे हम लोग प्रतिस्थापी पदार्थ कहा जा सकता है, रबर को क्या कहा जा सकता है, ये एक प्रकार का प्रतिस्थापी इलास्टिक पदार्थ कहा जाता है। इसमें तीन भागों में जनरली हमको बांटा गया, पहला कौन है, पहला प्राकृतिक रबर है, दूसरा कठोर रबर, तीसरा कृत्रिम रबर, ठीक है, चाहे संश्लेषित रबर भी कहा जाता है। इसका हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन प्राकृतिक रबर किसे कहा जाता है, इसका क्या डिफिनेशन है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसमें कठोर रबर का क्या डिफिनेशन है वो पढ़ेंगे, तीसरा हम लोग कृत्रिम रबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब जितना पढ़ाया गया है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोग आपका प्रॉब्लम जो है चाहे आपको दिक्कत हो हम लोग सॉल्व कर सके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।